डीओपी, एवरीबडी हैज कम, म्यूजिक एडिटर्स एवरीबडी, हमारी यूनिट के जो लोग हैं, हमारी क्रिएटिव्स, हर डिपार्टमेंट इतना खूबसूरत सामने आए और एक अच्छी टीम बनी। एक शो जो 99% लोगों ने कहा था कि ये शो नहीं चलेगा, और मैंने पहले कहा था ये बहुत बड़ा रिस्क है रूपाली, हम 18 साल के बाद वापस कोलैबोरेट कर रहे हैं। 20 साल मेरा पहला शो एज अ डायरेक्टर, जो मुझे मेरा डेब्यू शो था, वो उनका पहला शो टेलीविजन में एज अ हीरोइन था 20 साल पहले। तो ऐसे देखो वापस एक गैम्बल प्ले कर रहे हैं, एक नया शो बना रहे हैं, तो देखते हैं क्या जर्नी बनती है। बट वो एक अच्छी टीम बनी, अच्छे लोग आए साथ में और बहुत खुशी मिल रही है। एंड मेनली आई वुड लाइक टू थैंक द मीडिया, आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है, और हमारे स्टार जी भी आ गए। आइए आइए सर, आइए सर, आइए आइए सर। तो अच्छा लग रहा है कि कम तो अच्छा लग रहा है कि तो अच्छा लग रहा है कि अच्छी टीम साथ में जुड़ी है, और द जर्नी आई फील हैज जस्ट स्टार्टेड। सो एंड मेनली आई वुड लाइक टू थैंक ऑल्सो द व्यूअर्स, क्योंकि वो सारी फैमिली जो साथ में बैठ के अनुपमा देखती है सुबह 7 बजे और रात को 10 बजे, मंडे टू सैटरडे स्टार प्लस पे, तो अच्छा लगता है। जो जब भी जाओ और लोग बोलते रहे आप अनुपमा के प्रोड्यूसर हैं, जो इज्जत मिलती है इतना अच्छा लगता है। तो मैंने इसलिए अपना लुक भी चेंज कर दिया कि लोग आइडेंटिफाई करें यार ये देखो ये अनुपमा के प्रोड्यूसर हैं। तो जोक्स अपार्ट, जो एक कड़ी बनी है अच्छे शोज़ की, चाहे वो विदाई हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे रिश्ते प्यार के हो, चाहे अमृत मंथन कुछ तो लोग कहेंगे, अनुपमा के आने से 2020 में आई थिंक हम सबको ना लाइफ में एक लीज मिली है, एक ऊपर वाले ने और एक टीम की मेहनत से। जब आज के ज़माने में शोज़ आते हैं, कभी कभी हमारे शोज़ भी नहीं चले, तो आई ऑलवेज लाइक हमारी टीम में जो ह्यूमिलिटी है, जो हार्डवर्क करने की टीम स्पिरिट है, सो थैंक यू टू एवरीबडी कि ऐसे हम मेहनत करते रहें और ऐसे दिन हमें और रिस्पॉन्सिबल बनाएं, दैट वी हैव जस्ट स्टार्टेड अ जर्नी, अभी बहुत बहुत आगे तक जाना है। स्पेशली जो DKP की ट्रेडिशन है कुछ शोज़ की, तो आप लोगों को और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ 3300 एपिसोड्स के हैं, तो टेंशन लगने तक। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीबडी। और कोई कुछ कहना चाहूँगा, सुधांशु जी अभी आए तो आ जाए। मैं क्या कहूँगा, मैं खाली इनकी बात, क्योंकि इन्होंने बोला कि मैंने अपना लुक चेंज किया है इस वजह से, क्योंकि लोग बोलते हैं अरे आप अनुपमा के प्रोड्यूसर हैं, तो मैं इनको यही बोलूँगा कि ये जज्बात कंट्रोल में रखें, कहीं ऐसा ना हो कि लोग बोलें कि सर आप क्यों नहीं ये हीरो का रोल कर रहे हैं, क्यों नहीं आप कर रहे हैं। बिकॉज अब जिस हिसाब से ये इतने फिट होते जा रहे हैं, बहुत जल्दी मुझे लग रहा है कि हम सबको थोड़ा सा अपना मामला टाइट करना पड़ेगा, जिम जाना शुरू करना पड़ेगा। नहीं, ये आप पूरी खुन्नस निकाल रहे हैं, आई थिंक मुझसे नाराज है एज ए प्रोड्यूसर, तो चाहते हैं मेरे प्रोड्यूसर वाली दुकान बंद हो जाए, मेरा दिमाग खराब कर दे। जो मुझे नहीं आता वो मैं ज़रूर दिमाग खराब होकर ट्राई करूँ और मेरे पूरा पूरा दुकान बंद हो जाए। नहीं, जो काम आता है वही करेंगे, और इतने जब कमाल एक्टर्स हैं हमारे साथ, तो हम लोग रुमेश जी और हम लोग सब उस एरिया में सोचेंगे भी नहीं, इतना दिमाग खराब नहीं हुआ हमारा। बट मेरे करियर की, एक्टिंग करियर की एक्चुअल शुरुआत राजू जी के साथ हुई, और अब फिर से जब दोबारा से कदम रखा तो भी इनके साथ शुरुआत की। सो एटलीस्ट यू नो आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड कि दिस मैन हैज बीन माय लकी मैस्कॉट इन लाइफ। कभी कभी ऐसा होता है कि हर चीज़, जितने भी लोग हैं हमारी टीम में, जितने जितने एक्टर्स हैं, जितने टेक्नीशियंस हैं, हमारे लाइटमैन हैं, या जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड लोग हैं, सब लोग इतने पता नहीं क्यों ऐसा सिनर्जी बैठी है हम लोगों की, कि जैसे राजन भी हमेशा ये बात कहते हैं कि जब ये सेट पे आते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है, तो ही लाइक्स टू कम एंड सिट विद अस एंड हैव अ चैट विद अस, स्पेंड टाइम विद अस। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी, महाकाल की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हम सब लाइक माइंडेड लोग जो हैं वो इस सेट पे एक साथ आए और हमने एक जर्नी शुरू करी, और हम हाँ, और सारे के सारे, मैं वही बोलने वाला था कि सारे के सारे हमारे सेट पे आपने देखा बहुत सारे छोटे छोटे पप्स भी हैं, डॉग्स भी हैं, तो सबके सब उस जानवर से भी प्यार करने वाले लोग हैं, तो एक यहाँ पे इतना अच्छा वार्म एटमॉस्फेयर रहता है, और शायद इसीलिए वो बेजुबान जानवर भी हमारे सेट पे इतने खुश रहते हैं। और मुझे लगता है इन सब की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है और महाकाल की ब्लेसिंग हमारे साथ है, एंड वी आर होपिंग फॉर अ सेट। एक्चुअली सेट नहीं लगता, इट फील्स लाइक वी हैव कम होम। तो फिर मैं जाने नहीं दूंगा ना, मैं रह जाती हूँ। सो एनीबडी एल्स वांट्स टू से,
Nobody else. Thank you to you, sir. To all of us. To the entire team, and this is my first show in TV also, and to be starting with Rajan sir, it has always been a dream for me कि मैं अपनी TV की journey की शुरुआत राजन सर के साथ ही करूँ, and touch wood वैसा ही हुआ, and जो सर ने काव्या का सर has blessed me with this role, and I can't be enough thankful to you sir. Thank you so much. It's such an amazing team. It's such a wonderful feeling to be here every day. रोज हमें इतना प्यार मिलता है एंड इट्स सो पॉजिटिव हियर ऑन सेट कि एक्चुअली हमारा घर जाने का मन नहीं करता है टू बी ऑनेस्ट. नहीं जाए कीजिए, बिकॉज़ थोड़ा थक जाते हैं इसलिए सो के फिर समय होता है कि चलो वापस आ जाओ. एक भी दिन छुट्टी मिलती नहीं, है ना, तो अभी वो है, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि घर जाने का मन करता है. नहीं, अभी वो जोन में हम आ गए हैं कि अभी घर जाके भी ऐसा एक दिन छुट्टी मिलती है तो लगता है कि वी स्टार्ट मिसिंग इट. ऐसा लगता है कि अरे यार, वी शुड हैव बीन हियर. वी आर नाउ फाइनली इन दैट जोन आफ्टर ऑल दीस टच वुड एंड आई थिंक द जर्नी जस्ट स्टार्टेड. और कौन कौन सर हमारे जो सीरीज डायरेक्टर है जो उन्होंने सारे शोज बिदाई से लेके रिश्ता से लेके और जो अभी रिश्ता में पूरा एक नया रेलेवेंस लेके आया और अभी वापस अनुपमा इनके विजन से डायरेक्ट हुआ है. तो ये कहूंगा कि अनुपमा ये दोनों हैं और इनके टीम ऑफ और आप वनराज हैं. मैं नहीं, खाली मैं खाली नहीं हूं. क्या वनराज, वनराज क्या अनुपम दोनों है. जहाँ पे राजन जी जैसा प्रोड्यूसर हो वहाँ पे काम वैसे ही इतना आसान हो जाता है करना कि अपने आप चीज़ें बनती जाती हैं. यू नो, जितने पैशन से और जितने प्यार से ये काम करवाते हैं, ही इज़ द पर्सन हु कैन टेक आउट द बेस्ट फ्रॉम एनीबडी. तो बस वही आप देख सकते हैं, जो टीम इतने सालों से जुड़ी है वो दैट प्रूव्स कि हाउ लविंग ही इज. एंड इतना अच्छा लगता है कि सब मीडिया रिकॉर्ड भी करिए ये सब. आप में आप रिवाइंड पे सुन सकते हो. आशीष जी उनसे आई जस्ट बाकी सब सारी टीम आई जस्ट ऐड एक छोटी सी बात कि एक इतने अच्छे कितने बड़े लेवल पे टचवुड थू प्रोड्यूसर होना और इतना अप्रोचेबल होना, हर एक के रिलेशन को समझना, इस पूरे सेट को एक साथ लेकर चलना, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग. एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल कि राजन सर इस पूरे यूनिट को एक फैमिली की तरह संभालते हैं. एंड कहीं ना सारे एक्टर्स ये चीज़ सोचते हैं कि यार टीवी नहीं करना, टीवी तो करना ही नहीं है, मगर इंटरनली दिस इज़ द फैक्ट. मगर आज मैं ये बात बोलूँगा कि आज ये जो क्लॉज है ना, ये मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया कि अगर ऐसा प्रोड्यूसर आपकी लाइफ में है जो हर कैरेक्टर पर इतना काम करता है, इतने अच्छे से लिखवाता है सब कुछ, तो टीवी ऐसे करना है और शान से करना है. Yeah. इनसे बेटर कौन बोलेगा? Whatever, if anybody wants to say, or we'll wrap it up with the group. किसकी स्पीच रेडी है? तो एक सेल्फी हो जाए. चलो, ग्रेट टीम, एवरी डिपार्टमेंट, थैंक यू गाइस. अभी एक सेल्फी. अरे गुलशन जी, गुलशन क्या, हमारे निखिल जी आ जाइए, आर्ट डायरेक्टर. रंजीत जी हमारे बिजनेस हेड. अभय डायरेक्टर. गुलशन जी आ जाओ. थोड़ा ट्वीट अप कर. अरे डायरेक्टर, मैं प्रोड्यूसर हूँ यार. 22 कितने 25 साल से रोमी को जानता हूँ, इतना छोटा था जब. छोटे में टिल्ट अप करने की जरूरत पड़ती है. चल अभी थोड़ा इंडिविजुअल. बहुत अच्छी फीलिंग है ये, इट्स द बेस्ट फीलिंग, क्योंकि हमने जो मेहनत की है और जो करते आ रहे हैं, ऑफ कोर्स लोग उसे पसंद कर रहे हैं, उसे सराह रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और बेस्ट फीलिंग क्या हो सकती है किसी एक्टर के लिए. आपके लिए कितनी बेस्ट फीलिंग है? आपके निगेटिव रोल को भी ऑडियंस काफ़ी प्यार देती है और उससे भी कनेक्ट कर पाती है. इट्स अ ब्लेसिंग कि काव्या का जो रोल है वो लोग उस तरह से पहचान पा रहे हैं, देख रहे हैं जिस तरह से वो लिखा गया है. बिकॉज काव्या हर एक सिचुएशन को सिचुएशंस के हिसाब से डील करती है. जब हमारे नॉर्मल लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें खुशी देती है, सो वी आर हैप्पी अबाउट इट. जब ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जिनसे खुश नहीं होते हैं, तब हम ऐसी चीज़ें करते हैं उसको अपने पावर में लाने के लिए. तो काव्या भी वही करती है, हर एक सिचुएशन को सिचुएशन की तरह से डील करती है. और लोग इनफैक्ट मुझे
मुझे कई बार इतने ब्यूटीफुल अमेजिंग इंस्पिरेशनल मैसेजेस मोटिवेशनल मैसेजेस आते हैं लोगों के. विमेन टेल मी दैट दे लव द वे माय पर्सनालिटी कम्स अक्रॉस ऑन स्क्रीन. दे लव इट हाउ स्ट्रांग आई एम एज एन इंडिविजुअल और जिस तरह से मैं बाउंस बैक करती हूँ फ्रॉम एवरी इमोशनल सिचुएशन दैट आई गो थ्रू. सो दे लव द वे आई कैरी माई सेल्फ. दे लव द वे आई एम पोर्ट्रेड ऑन स्क्रीन एंड विच इज़ अगेन अ ब्यूटिफुल कॉम्प्लीमेंट. और एक और कॉम्प्लीमेंट दूसरी तरफ से ये भी है, जब लोग मुझे कहते हैं कि मेरे ग्रे शेड्स है और मैं नेगेटिव दिख रही हूँ तो लोगों को ये भी अच्छा लग रहा है, विच इज़ अ नेगेटिव थिंग. एंड ऑफकोर्स दैट मेक्स मी फील दैट माई जॉब इज़ फाइन, आई एम डूइंग अ फाइन जॉब. बिकॉज अगर लोग कह रहे हैं कि उनको मेरी नेगेटिविटी और मेरी जिस तरह से मैं नेगेटिव दिख रही हूँ वो ठीक नहीं लग रहा है, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, राइट, दैट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब. सो इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. बहुत मस्ती करते हैं हम लोग, बहुत इन्जॉय करते हैं. एक्चुअली फ़नी मोमेंट्स अगर मैं देखूँ तो इतने होते हैं ना कि इट्स डिफ़िकल्ट टू कीप अ ट्रैक एवरी डे, देयर आर सो मेनी. आप अगर यहाँ भी देखेंगे अभी वो डॉग है अपना चॉकलेट है गब्बर यहाँ लेटा हुआ है. अब कितनी बार सेट पर क्या होता है कि हम शॉर्ट में हैं, हम एकदम सीरियस एक्सप्रेशन बना के खड़े हैं एंड हम अपना सीन कर रहे हैं और बीच में से कट हो जाता है बिकॉज गब्बर कभी आ जाता है, कभी चॉकलेट आ जाता है, कभी कोई आ जाता है. यू नो सो वी हैव सो मेनी पेट्स ऑन द सेट ऑल्सो. दीज थिंग्स आर सो गुड, दीज थिंग्स कीप द सेट सो पॉजिटिव, यू नो, एंड एवरीबडी इज दे ऑल नो द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क. सो हम सब मेहनत तो बहुत, जितनी मेहनत करते हैं ना मस्ती भी उतनी करते हैं. बिकॉज इफ़ यू आर हैप्पी इन आर हार्ट ऑब्वियसली हमारा काम और हम उस तरह से ही दिखेंगे जिस तरह से हम फील करते हैं. सो द सेट इज टचवुड अ वेरी हैप्पी स्पेस टू बी इन. आगे का क्या कुछ होने वाला है अनुपमा के शो? बहुत कुछ होने वाला है अनुपमा में, बहुत ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं. आपको लगता है कि ऑडियंस को चैन से बैठने देंगे एक सेकंड के लिए भी? ना, ऑडियंस को चैन से नहीं बैठने देंगे एक सेकंड के लिए भी. बिकॉज आर राइटर्स एंड ऑफकोर्स हमारी जो टीम है उन्होंने इतनी बेहतरीन एपिसोड्स लिखे हैं आगे. सो यू आर गोइंग टू बी सो सरप्राइज. अगर आपकी बॉन्ड किसके साथ बनती है ये पूछो तो सबके साथ मेरी बहुत सुंदर बॉन्ड है. एक्चुअली आई वोंट बी एबल टू नेम एनीबडी इन पर्टिकुलर बिकॉज एवरीबडी आई शेयर सच एन अमेजिंग बॉन्ड, मेड बी वनराज, मेड बी अनिरुद्ध, मेड बी एवरीबडी इन द फैमिली. आई शेयर एन अमेजिंग बॉन्ड विद एवरीबडी, ऑल दी एक्टर्स. जितना काव्या का बुरा है ना ऑन स्क्रीन उतना ही मदालसा का क्यूट है ऑन ऑफ स्क्रीन, बिकॉज वी आर ऑल सच गुड फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द डे. ऑडियंस, येस ऑफकोर्स, ऑडियंस को ये कहना चाहूँगी अ बिग थैंक यू एंड आई ऑलवेज फॉर एवर बी सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर लविंग आवर वर्क एंड फॉर लाइकिंग आवर शो एंड फॉर बींग सो कंसिस्टेंट एंड थैंक यू. एंड जस्ट आई प्रे दैट ये चीज़ इसी तरह से बरकरार रहे. वी हैव टू जस्ट मेनटेन दिस वेयर वी आर एट राइट नाउ. सो थैंक यू सो मच हमें यहाँ तक लाने के लिए. थैंक यू. मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये आई एम ब्लेस्ड कि राजन चोज टू ब्रिंग अनुपमा इनटू माय लाइफ. मुझे फाइनली मेरा ड्यू मिला एज एन एक्टर. एक्टिंग तो मैंने हमेशा से की, मैंने हमेशा से अपना बेस्ट दिया हर शो को, लेकिन इस बार मेरे जो बेस्ट को लोगों ने पहचाना और सराहा है. सो थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. महाकाल माता रानी थैंk यू and Rajan Shahi for choosing me to be his Anupama, and Ashwin Verma my husband for giving me the wings to fly. Anupama jis type ka character nibha rahi hai wo aapke personal life mein kitna affect karta hai, aap kitna relate kar pate ho, log to kafi relate kar pate hai aapse? Are mere ghar mein jab dekhte hai na mujhe kitchen mein kaam karte hai bahut sara kaam karte hai sab baith ke hanste hai. So meri buddhi hai jiske upar mera pura aise my she's the backbone of my house, my backbone. मेरा हस्बैंड है तो ये और मेरी मदर इन लॉ सब बैठ के ऐसे हाँ देखो कितना काम कर रही है. मेरी मम्मी बोलती है अरे वाह कितना अच्छा लगता है, मेरा सपना था तुझे किचन में देखो अनुपमा में देख लिया. सो या मतलब अनुपमा से बस एक ही चीज़ से सिमिलैरिटी है मेरे और अनुपमा में कि हम दोनों अपने फैमिली को बहुत बहुत प्यार करते हैं. ये मेरी केकी है, ये हमारी क्रिएटिव डायरेक्टर है और ये सब हम लोग के लुक्स डिसाइड करती है, सब करती है, कौन कैसा क्या करेगा, क्या पहनेगा, कैसा दिखेगा, थीम्स होंगे सारे वो ये डिसाइड करती है. केकी, आपने तो ऑडियंस के साथ बॉन्ड बना लिया है, आपकी किसके साथ बॉन्ड बनती है ज़्यादा? ये मेरा बस दिल से परफॉर्म करती हूँ तो दिल तक जाता है और मैं बहुत इमोशनल हूँ तो सारे जो इमोशनल लोग हैं उन तक आई थिंक मेरी परफॉर्मेंस पहुंचती है. बॉन्ड यहाँ पर सेट पे सबसे मेरा लाडला, मेरा बेबी, मेरा पूछी पूछी पारस,
मुझे, मैं रुद्रांश को बहुत मिस करती हूँ, तो सेट पे मैं पारस को ऐसे कभी ऐसे से करती हूँ, बा है मेरी डार्लिंग है, वो ऐसी वो जो बड़ी बहन होती है ना, जो आपको मार पीट के यू नो आपको डरा के धमका के रखती है घर में, वो बा वैसी है। और मुझे पैम्पर भी बहुत करती, बहुत पैम्पर करती है। तोशु है जो मुझे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, तो मैं सबसे क्लोज इन तीन लोगों से हूँ। उसके बाद फिर पांडे है, जो हम लोग टॉम एंड जेरी बोला जाता है हमको सेट पे, तो हम लोग नोकझोंक चलती रहती है। एंड लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे अनुपमा की? प्लीज़ कीप वॉचिंग अनुपमा, एंड आपका प्यार, आपके ब्लेसिंग्स बरकरार रखिए। थैंक यू सो मच, आप हैं तो हम हैं। थैंक यू, धन्यवाद।